नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। दोस्तों, महाभारत के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने वो जगह देखी है जहां पर द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने सर के बाल धोए थे? जी हां, तैयार रहिए, आज मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये है वो प्राचीन चंद्रकूप उर्फ द्रौपदी कूप। थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री पढ़कर बताता हूँ। ये यहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है। एक ख़ास बात जो लोग इस कुएं के बारे में बताते हैं वो ये है कि पुराने समय में इस कूप का, अर्थात इस कुएं का पानी दूधिया हो जाता था, यानी कि उसमें पानी की जगह दूध बन जाता था। यही वो महाभारत की रहस्यमय चमत्कारिक जगह है जिसे आप देख रहे हैं मेरे साथ। इस जगह पर बने हुए प्राचीन छोटी ईंटों के अवशेष साफ बताते हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन समय में कोई ज़बरदस्त ऐतिहासिक महत्व का स्मारक रहा होगा, जिसके अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं इस द्रौपदी कूप पर। ये देखिए, और ये वो कुआं है जो द्रौपदी कूप के नाम से जाना जाता है, जिसे चंद्रकूप भी कहते हैं। यही वो कुआं है जहाँ पर महाभारत के युद्ध में द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन की छाती के खून से अपने बाल धोए थे। इस प्राचीन कुएं का संबंध महर्षि विश्वामित्र और भगवान परशुराम से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी अपने पितरों का तर्पण और यहाँ पर तपस्या की थी। जैसा कि आप यहाँ पर मंदिर की दीवार पर भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप, इस मंदिर का संबंध और इस जगह का संबंध महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक से भी जोड़ा जाता है। ये जगह कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर में बनी हुई है। ये आसपास चारों तरफ ब्रह्म सरोवर आप देख सकते हैं। ये हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के सबसे पुराने तीर्थों में से एक है, जिसका नाम ब्रह्म सरोवर है। और ये स्थान महाभारत के युद्ध से भी पहले से यहाँ पर है, ऐसा माना जाता है। और लोग इस ब्रह्म सरोवर को पृथ्वी की, अर्थात सृष्टि की शुरुआत से भी जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है, दूर दूर से लोग इस जगह पर आते हैं। ये वो प्राचीन रास्ता है जो इस मंदिर से होते हुए इस द्रौपदी कूप तक जाता है। अब समय के साथ इन रास्तों को आधुनिकीकरण कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक जीना बना दिया गया है। ये वो रास्ता है जो इस प्राचीन द्रौपदी कूप तक जाता है, और यहीं पर वो प्रतिज्ञा द्रौपदी ने पूरी की थी। आपको दिखाता हूँ मैं वो कुआं बिल्कुल पास से, जहाँ द्रौपदी ने भरी सभा में अपने बाल पकड़कर घसीटने वाले कौरव दुशासन की भीम के हाथों मौत के बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। ये देखिए, ये उस महाभारतकालीन कुएं के अवशेष हैं जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये ईंटें तो बाद की हैं, लेकिन ये वही कुआं है। और आश्चर्य देखिए, इसमें पानी आज भी मौजूद है। एक और बात लोग यहाँ पर करते हैं कि वे इस कुएं में कॉइन्स वगैरह डालते हैं। ये इसके प्राचीन अवशेष देखिए, कुएं के जो इसके चारों तरफ यहाँ पर बने हुए हैं। आइए अब इसी रास्ते से वापस आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, जिस रास्ते से मैं आया था इस प्राचीन द्रौपदी कूप में। यहाँ बने एक मंदिर में से एक गुप्त रास्ते की तरह यह रास्ता इस द्रौपदी कूप के लिए यहाँ पर बना हुआ है, और जिसमें रोशनी नहीं है।
इसी द्रौपदी कूप के पास महाभारत के समय की एक प्राचीन गुफा हुआ करती थी, जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पास ही में बने एक मंदिर तक जा पहुंचा। यहां पहुंचकर मैंने उस महाभारतकालीन गुफा को देखने की इच्छा इस मंदिर में स्थित पंडित जी को बताई, तो उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी उस गुफा के बारे में दी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। पंडित जी और आसपास के लोगों के अनुसार इस गुफा में एक कई सौ साल की उम्र का एक सांप अक्सर लोगों को दिखाई देता था, जिसे काफ़ी लोग इच्छाधारी सांप के नाम से भी पुकारते थे। ये वो ब्रह्म सरोवर में वो प्राचीन जगह है, ऐतिहासिक जगह है महाभारतकालीन द्रौपदी कूप के पास में ही। अब यहाँ पर एक फिलहाल मंदिर नया बना हुआ है। यहाँ पर एक प्राचीन महाभारतकालीन गुफा हुआ करती थी, समय के साथ में वो दब गई, समाप्त होती गई, फिर उसको मेंटेन करके यहाँ पर अब ये इस स्थिति में भी यहाँ पर एक मंदिर है। तो जैसे कि ये भी मान्यता है आसपास के क्षेत्र में कि यहाँ पर इस मंदिर में प्राचीन समय की जो गुफा थी उसमें एक सांप भी था, लोग उसको मानते कि वो इच्छाधारी सांप था, और फिलहाल जो वो गुफा बंद थी उसके बारे में कोई अधिक जानकारी अब उपलब्ध नहीं है। वो जो गुफा हुआ करती थी उसका अब स्वरूप ऐसा है, ये मंदिर की वो पिछली दीवार है, यहाँ पर वो कभी समय में पुराने समय में गुफा थी महाभारतकालीन। कुछ लोग तो बताते हैं कि उसमें इच्छाधारी नाग रहा करता था, बहुत से लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि हमने देखा। वो यहाँ से सुरंग कहीं जाती थी, कितनी गहरी थी, कहाँ तक जाती थी, इसके बारे में कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है। उसको समाप्त करके अभी कुछ साल पहले यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया गया है। एक बात मेरी हमेशा समझ में नहीं आती, अधिकतर मंदिर में आजकल ये क्यों लिखने लग गए हैं कि मंदिर में फ़ोटो उतारना सख्त मना है। अगर फ़ोटो वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप तक जानकारी पहुँचाएंगे कैसे?